जो क्रिकेट मैच करवाया गया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कितनी टीमें ने पार्टिसिपेट किया, कौन जीता? आज हमारी 16 टीम है क्रिकेट के मैच के लिए, इन्होंने टूर्नामेंट हमने शुरू की है जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज 16 टीमों के 8 मैच होंगे, 6 मैच हमारे हो चुके हैं, अब 7th और 8th मैच सेमीफाइनल कल होगा और फाइनल कल होगा। सर, ये सारे मुलाजिम ही खेल रहे हैं फिर बाहर की भी, मतलब? नहीं नहीं नहीं, इसमें हमारा क्या है, मौली जगरा, ओके, मनी माजरा और पुलिस स्टेशन आईटी पार्क, हमारे एरिया में जो बच्चे हैं उनको शामिल करके हमने टीमें बनाई हैं जिसमें हमारे पुलिस की पुलिस स्टाफ और पब्लिक के जो बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं कुछ, उनको शामिल करके फिर टीमें बना के उनका मैच करवाया। पीछे एसएसपी मैडम का ये मैसेज था कि जितने भी क्रिमिनल टाइप के कुछ लोग हैं उनको भी गेमों में इन्वॉल्व करो, कुछ ऐसा है ऐसे? यस, जो कुछ बच्चे जुवेनाइल्स हैं जो पहले ऑलरेडी क्राइम में कहीं पे इन्वॉल्व रहे हैं, कहीं पे उनकी कोई रही है शमूलियत, तो उनको बुलाया गया, उनको भी मैच में टीम्स में शामिल करके उनको क्रिकेट मैच खिलाया जा रहा है। और वो बच्चे जो कहीं पर थोड़ा बहुत नशा करने लगे थे उनको भी बुलाया गया, उनको भी बीच में टीम में डाल के उनको भी शामिल करके मैच खिलाया जा रहा है, ताकि ये जो बच्चों की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज़ किया जाए और एनर्जी को चैनलाइज़ करके नशे से दूर हटा के उनको स्पोर्ट्स की तरफ, खेलकूद की तरफ लगाया जाए। सारा आयोजन चंडीगढ़ पुलिस द्वारा किया जाए? ये आयोजन सारा आईटी पार्क पुलिस स्टेशन द्वारा किया जा रहा है जिसमें मनी माजरा और मौली जगरा की टीम भी साथ में शामिल है। ये जो टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट चंडीगढ़ पुलिस करवा रही है आईटी पार्क खाने के माध्यम से, कुछ खास उद्देश्य है क्या, कैसा ये? देखिए, ऐसी सारी जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी और टीम स्पिरिट की भावना से, एक तो हमारे सारे मुलाजिम हैं आपस में उनकी यूनिटी भी बढ़ती है, काम करने का प्रोत्साहन भी मिलता है, एक रिलैक्सेशन भी हो जाता है। साथ साथ हमने सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया है, हमारे इंदिरा कॉलोनी डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हुए हैं, तो वो लोग भी अपना एक साधन पाते हैं, जो बच्चे ड्रग्स की तरफ या क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनको ये एक बेटर सोल्यूशन मिल जाता है जहाँ वो अपनी एनर्जीज डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पुलिस मुलाजिमों के लिए और हमारे सिटीजन्स के लिए, सबके लिए एक बेहतरीन स्टेप है। एंड जसपाल जी रेगुलर ऐसे स्टेप्स लेते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने मुलाजिमों को भी प्रोत्साहन देते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो मैं इनके इसके लिए बहुत ज़्यादा इनको आगे ऐसा करते रहें इसके लिए कहूँगी। और हमने इनके साथ ये नेक्स्ट वीक का भी एक मैच ऑलरेडी फिक्स कर लिया है, तो आप उसमें भी देखिएगा। कौन सा मैच होगा? अभी इनके नॉर्थ ईस्ट और सिटीजन्स था, नेक्स्ट टीम हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का कराएंगे ताकि सारी चंडीगढ़ पुलिस इनके इस इनिशिएटिव में आगे बढ़ के हिस्सा लेती रहे। तो महिलाओं के लिए कुछ मैचेस होंगे मुलाजिम? हाँ, इसमें हम महिलाएं टीम भी रख लेंगे नेक्स्ट टाइम ना, आपका आइडिया अच्छा है, महिलाएं इसमें है नहीं, मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया था, हम महिलाएं टीम भी रखेंगे नेक्स्ट टाइम। टाइप कुछ नहीं, क्रिकेट में भी हमारी महिलाएं अच्छा खेलती है, हम क्रिकेट में भी रखेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।